नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दैनिक राशिफल की बात करने जा रहे हैं। 28 जुलाई बुधवार के दिन दैनिक राशिफल के बारे में ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार कौन से बड़े परिवर्तन आज आपकी दैनिक जीवन में देखने को मिल सकती हैं, यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, आज का दिन किस तरह से प्लान करें ताकि दिन खास बने, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। पंचांग की बात करें तो 28 जुलाई बुधवार का दिन रहेगा और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 2:48 तक, इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:45 तक, इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अति गंड योग रहेगा रात्रि 8:18 तक, इसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि रहेगी कर्क राशि पर और चंद्र इस दिन मीन राशि से गोचर करने वाले हैं और आज के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं है। राहु काल की बात करें तो दोपहर 12:33 से 2:11 तक रहेगा। यह समय निवेश करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। कर्क राशि वाले लोगों को आज अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। आज घरेलू मुद्दे आपके दिमाग पर हावी रहेंगे और ठीक से काम करने की आपकी क्षमता को भी खराब करेगी। साथ ही धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी, उसे मजबूत करने का प्रयास करें। आज आप घर के कामों में व्यस्त रहेंगे और इसकी वजह से घर से निकलना मुश्किल होगा। कर्क राशि वाले जातक, खर्च किए गए धन में वृद्धि होगी और आपके द्वारा लिया गया निर्णय भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। घर में हवन पूजा पाठ आदि का आयोजन होगा। कर्क राशि वाले जातक आज अपने दिनचर्या को सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यवस्थित करेंगे और आपको उचित उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। घर में भी अनुशासन और स्वास्थ्य बनाए रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। कभी कभी निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, ऐसे समय में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। अगर जगह बदलने की योजना है तो उसे अभी कुछ समय के लिए टाल दें और पैसों के लेन देन में कोई चूक संभव है। व्यापारियों के लिए बात करें तो सरकारी कार्यों से जुड़े व्यवसाय में अचानक धन लाभ होने की संभावना है और राजनीतिक क्षेत्र में भी फायदेमंद रहेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए समय अनुकूल है, इसलिए इस उपयुक्त समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। और लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी की सलाह आपकी परेशानी में काफ़ी मददगार साबित होगी, लेकिन विपरीत लिंग के व्यक्ति से मुलाकात आपकी छवि को खराब कर सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और निजी कारणों से कुछ तनाव हो सकता है। मित्रों, अगर आप भगवान श्री गणेश जी का सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय गणेश।